हुए हैं, थोड़ा मुझे प्लीज लेट मी से माय पीस। जो फर्स्ट वेव अटैक हुआ है इट इज प्राइमरली टू टेक आउट सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, ठीक है, और ओपन द वे फॉर फर्दर अटैक्स इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने IRGC के हेडक्वार्टर्स पे हमला किया है, कुछ एयर बेसिस के ऊपर हमला किया है, और जो मिसाइल प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है फतेह 2 मिसाइल्स की, उसके ऊपर हमला किया है, क्योंकि सबसे डेंजरस मिसाइल्स इसराइल के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो कि कोई लेड एयर डिफेंस नहीं रोक सकता, 1 अक्टूबर को भी नहीं रोक पाया था। सो लेट्स गेट दैट राइट, और हम अपनी मिलिट्री असेसमेंट्स कर रहे हैं बड़ा जो है बिल्कुल रियलिस्टिक होकर। आई एम नॉट गेटिंग इमोटिव, राइट, मेरा भी इसराइल के साथ हमारा भी दिल धड़कता है, क्योंकि वो लोग जितना उन्होंने हमको सपोर्ट दिया है शायद ही किसी और देश ने दिया है। आई एम नाउ टॉकिंग प्योरली एज अ मिलिट्री एनालिस्ट कि साहब ये जो है कैपेबिलिटीज ये हैं, अचीवमेंट ये है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि जो 100 जहाजों का हमला हुआ है, कैलकुलेशन के मुताबिक 50 का स्ट्राइक पैकेज कैलकुलेट किया जा रहा था, 20 F-35 स्टेल्थ फाइटर और कोई आपके 32 के करीब ये जो है आपके F-15 और F-16। अब कहा जा रहा है कुछ कफर फाइटर्स भी आए हैं, तो कुछ लोग तो अटकल लगा रहे हैं कि अमेरिका ने रिफ्यूलिंग का सपोर्ट दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, जो इसराइल के साथ KC-130 हरक्यूलिस थे वो इस बार इस्तेमाल किए गए हैं साथ में, जिसकी उम्मीद दुनिया को नहीं थी, और कोई खरोच नहीं आई किसी इजरायली एयरक्राफ्ट को। मोस्ट ऑफ देम आर स्टैंड ऑफ अटैक्स यूजिंग क्रूज मिसाइल्स, और ये ब्लू स्पैरो मिसाइल भी इस्तेमाल किया गया है, एक अल काताज मिसाइल है वो भी इस्तेमाल किया गया है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की प्रैक्टिस देता है, काफी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। कोई खरोच नहीं आई किसी भी इजरायली एयरक्राफ्ट को, सब सेफ वापस आ गए हैं। छोटा रूट इस्तेमाल किया गया है सीरिया और जॉर्डन और इराक के ऊपर से ज्यादातर। अगर उन्होंने सऊदी अरेबियन स्पेस पार किया है तो ईरान तो पहले से कह चुका है कि मेरे को फिर पूरा अधिकार है सऊदी अरेबिया की ऑयल टर्मिनल्स को ठोकने के लिए, वो हाउतीज के थ्रू भी करा सकता है, खुद डायरेक्टली भी कर सकता है। जनरल बख्शी, वापस क्या ईरान रिएक्ट करेगा या नहीं, ईरान की भी मैं एक मिनट खत्म कर लूं, जी जी सर, क्या ईरान रिटेलिएट करेगा या नहीं, ईरान को इज्जत का सवाल है, उसको भी करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा सोच समझ कर, उसको भी मालूम है ये केवल फर्स्ट फेज है और अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से तैयार है सेकेंड फेज में उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज के लिए। एस्केलेशन होगी तो तबाही पूरे मिडल ईस्ट में आग लग जाएगी साहब, इकोनॉमी जो है आपकी टैंक हो जाएगी, सबकी इकोनॉमीज हिट होंगी, स्टॉक मार्केट्स गिरेंगी, अगर आपने ज्यादा पैसा लगाया है तो अभी भी निकाल लें, दैट्स ऑल। ठीक है जनरल सोई, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि मैंने अभी बात की थी खामनेई की, खामनेई ने भी सीधे से धमकी दी थी, लेकिन एक डर ईरान में बना हुआ है कि अगर ईरान में घुसकर इस तरह से बैक टू बैक 100 फाइटर जेट से हमले किए जा सकते हैं तो खामनेई पर हमला कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों किस तरह से ईरान के तेहरान में हमले हुए थे, ईरान के तेहरान में हमास चीफ पर हमले किए गए थे, उसके बाद नसरुल्ला को मारा गया, फिर दूसरे हिजबुल्ला के चीफ को मारा गया, तो अगर खामनेई को निशाना बनाया जाएगा तो इसका डर भी ईरान में बना हुआ है, यही वजह है कि चेतावनी देकर डर दूर करने की कोशिश कर रहा ईरान। नहीं बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इजराइल कर सकता है, पर क्या वो करेगा ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि क्या टारगेट रहेंगे, क्या टॉप लीडर रहेंगे, या ऑयल रिफाइनरी रहेगी, या न्यूक्लियर रहेगा, या मिलिट्री बेसिस रहे, इन्होंने मिलिट्री बेसिस को भी टैकल किया है। अभी अगला राउंड जो है ये डिपेंड करता है कि ईरान क्या करता है। अभी इजराइल ने बात साफ कर दिया, उनके प्रवक्ता ने कह दिया अभी हमने कर लिया, क्योंकि इस समय में देखा जाए क्या इसराइल भी इस युद्ध को ईरान के साथ डायरेक्ट आगे बढ़ाना चाहेगा, या ईरान भी इस युद्ध को इसराइल के साथ डायरेक्ट बढ़ाना चाहेगा, या जिस प्रकार से ईरान कर रहा है कि अपने प्रॉक्सीज के द्वारा हिजबुल्ला, हूती और थोड़ा बहुत हमास, इनके द्वारा लड़ाई को जारी रखेगा, कुछ इस्लामिक फाइटर्स हैं जो सीरिया और इराक में, उनके द्वारा लड़ाई जारी रखेगा, उनको और बूस्ट देगा, क्योंकि दोनों के देखा जाए तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 2000 किलोमीटर का है, जो कि इसमें
लड़ाई सिर्फ एयर के द्वारा, मिसाइल के द्वारा ही संभव है, जमीन लड़ाई संभव नहीं है। तो चाहे ईरान के पास जितनी मर्जी सुपीरियरिटी हो, एयर और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, इंटेलिजेंस की सिक्योरिटी सुपीरियरिटी आज इसराइल के पास है, तो इसराइल एक पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है। और ईरान जो अटैक करेगा उसको यही पता है कि पिछली बार अगर कुछ सफलताएं मिली थी बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा, अभी इसराइल को अमेरिका ने थर्ड मिसाइल सिस्टम भी दे दिया है जिसके द्वारा उनको भी टैकल किया जा सकता है। उनके बाद पहली एरो 2, एरो 3, आयरन डोम, डेविड सिलिंग, ये सब है। तो डिफरेंट लेयर ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ईरान अगर कुछ करता है तो उसके सफलता के चांसेस बहुत कम रहेंगे। यही कारण है कि ईरान कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, ये फेस सेविंग है, और मीडिया में भी यही आ रहा है। तो सर आई एम सॉरी मैं रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जिस बात का जिक्र एम्बेसडर वोहरा कर रहे थे उसी से जुड़ी खबर आ रही है। दरअसल सऊदी अरब ने बड़ा बयान दे दिया है हमले के बाद। सऊदी अरब का साफ कहना है कि ईरान पर हमले के लिए, ईरान पर जो हमला इसराइल ने किया है उस पर सऊदी अरब ने साफ कहा है कि ईरान पर हमले के लिए इसराइल ने हमारे एयरबेस का इस्तेमाल नहीं किया है। ये साफ कर दिया है सऊदी अरब ने कि हमारे एयरबेस का इस्तेमाल नहीं किया गया है हमले में सऊदी के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये साफ कर दिया गया है। एम्बेसडर वोहरा, जो बात आप कह रहे थे वही आ गई है। आप कह रहे थे कि जॉर्डन और यूएई से होते हुए जा सकते हैं लेकिन पानी का रास्ता भी अपनाया जा सकता है, वही बात सऊदी अरब ने साफ कर दी है कि हमारे एयरबेस, हमारे एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं नहीं मानता। अगर आप नक्शा देखेंगे वहां का तो आपको पता लगेगा कि अगर नॉर्थ को जाता उत्तर के डायरेक्शन में तो उसको जाना पड़ता लेबनन, वो तो सवाल नहीं पैदा होता। वो दक्षिण से जॉर्डन के थ्रू गया है मैम, और जॉर्डन का फिर पूरा जो बॉर्डर है वो लगता है इस बहुत बड़े देश के साथ जिसका नाम सऊदी अरेबिया है। नहीं तो फिर उसको जाना पड़ता गल्फ के थ्रू जाना पड़ता, फिर पूरा घूम के आना पड़ता, वो यमन को पार करता, ओमान को पार करता, वो फिर ईरान में जाता, वो तो 2300 किलोमीटर से बहुत ज्यादा हो जाता। मेरा नहीं मानना है वो ये उन्होंने क्या कहा है कि हमारी एयर स्पेस या हमारे एयर बेसिस, मेरा ख्याल एयर बेसिस कहा है उन्होंने, एयर स्पेस 100% उन्होंने यूज किया है सर, दोनों बातें कही हैं बाद में, क्योंकि वो भी डर था। और फिर एक चीज मैम, अमेरिका ने क्यों कहा है सऊदी अरेबिया को कि अगर आपके ऊपर हमला हुआ तो हम आपकी रक्षा करेंगे, तू कौन मैं खामखा, ये कहने की क्या जरूरत थी? अगर आपने नहीं किया है और ईरान आपके ऊपर आपको नहीं ठोकेगा तो ये कहने की क्या जरूरत है? जब आपने ये कह दिया इसे साफ जाहिर है कि सऊदी अरेबिया को अब डर लग रहा है कि मेरी एयर स्पेस ये गए हैं कि ईरान जिससे 5 साल पहले मेरी ऑयल फैसिलिटीज को उन्होंने बर्बाद किया था, अब फिर कोशिश ना करें। दैट इज द ओनली रीजन अमेरिका ने उनसे कहा है कि टाइगर हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, घबराओ नहीं, तो और क्या कारण है उसका। तो मेरा मानना है कि उन्होंने सऊदी की एयर स्पेस के थ्रू गए हैं, उसके बाद बहरेन के थ्रू गए हैं और तब जाके उन्होंने ईरान को ठोका है। कर्नल सिंह, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ आपको बताऊं, अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स को अगर आप रीड करें, जॉर्डन ने भी बोला था हम अपना एयर स्पेस कभी इस्तेमाल नहीं करने का, या आज की नई बात नहीं है। देखिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर उसने दिया है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो ये बोले कि नहीं जी मैं ईरान के खिलाफ हूँ और मैं टोटली सपोर्ट में हूँ। उसने एक बड़ी स्ट्रैटेजिकली बैलेंस स्टेटमेंट दिया है, उसने क्रिटिसाइज किया है कि इसराइल का ये वाला अटैक जो है वो निंदनीय है, एक बात खत्म हो गई। दूसरी तरफ कि भाई आपके दिमाग में, आपके दिल में कहीं डाउट ना आ जाए, बोले हमने अपना कोई भी एयरबेस इसमें इस्तेमाल के लिए नहीं दिया है। और वेरी कन्वीनियंटली अगर उन्होंने बोला है, मैंने एक्चुअली वो पढ़ा नहीं है कि जहां एयर स्पेस की बात हो रही है, एयरबेस तो मैंने कहीं पढ़ा है कि उन्होंने पॉइंट ब्लैंक कहा है कि हमारा कोई भी एयरबेस नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि एयरबेस अगर वो देंगे तो वो कौन सा एयरबेस देंगे?